समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री यासर शाह व बहराइच जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव ने वजीरगंज के पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। बहराइच जिले के कैसरगंज तहसील के वजीरगंज सराय जगना गांव में पिछले माह 25 सितंबर को कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने 23 घरों पर बुलडोजर चला दिया, जिसमें कई परिवार बेघर हो गए। उन पीड़ितों से मिलने पहुंचे समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री यासर शाह व जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव। पीड़ितों से मुलाकात कर दिया आश्वासन, कहा जल्द ही प्रत्येक पीड़ित परिवारों को की जाएगी मदद। बहराइच से सईद खान की रिपोर्ट। अब ये जो यहाँ हालात है, औरतें बच्चे बुजुर्ग सब खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं आंधी पानी बारिश में, और कोर्ट का आदेश जो था और जो शासन प्रशासन ने कार्रवाई करी है, कोर्ट का आदेश देखने के बाद ही वैसे लगे कार्रवाई विधिक हुई है कि नहीं हुई है। हमारे हिसाब से कार्रवाई विधिक नहीं हुई है, और अगर कार्रवाई विधिक नहीं हुई तो कोर्ट का दरवाज़ा फिर से खटखटाया जाएगा। इन गरीबों के लिए जो राहत जो मदद हो सकती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोग को आदेश किया, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल माननीय जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव जी के अध्यक्षता में यहाँ पर आया है आज, और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि आने वाले समय में और जो घर गिराने की बात हो रही है और जो परेशानियों की बात हो रही है, वो इन लोग के ऊपर अभी बहुत सी मुसीबत आई हुई है, और हमें पूरी आशा है कि न्यायालय हम लोग को न्याय देगा और उसके लिए हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यहाँ पर एक डेलीगेशन जो आया है सपा का, इसमें इन लोगों को क्या कोई सहायता भी दी जाएगी? फिलहाल तो ये आकलन करने के लिए आया है कि इन लोग नुकसान कितना हुआ है, कैसे रह रहे हैं। बाकी जो सहायता इन लोग को दी जाएगी नहीं जाएगी हम प्रेस को नहीं बताएंगे, इसलिए कि सहायता हम लोग व्यक्तिगत रूप से दे रहे हैं, पार्टी की तरफ से दी जाएगी सहायता। लेकिन क्या सहायता दी जाएगी क्या नहीं दी जाएगी, ये सरकार को सोचना चाहिए कि किस इंसानियत को के चलते हुए इन गरीब छोटे छोटे बच्चों को आप अगर यहाँ पे देखें तो सब उजड़े पड़े हुए हैं, बेघर हो गए हैं, रहने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, रहे तो सहायता हम लोग तो देंगे नहीं, सरकार क्या करेगी? सरकार ने किस दुश्मनी में आकर के और किस जिद में आकर इन घर को गिराया है जहाँ पे बच्चे तक बेघर हो गए? सहायता सरकार को देनी चाहिए। अगर आपने बेघर किया है, मान लिया चलिए कि आपने बेघर कर दिया कोर्ट के आदेश पे, लेकिन क्या आप इस लायक नहीं कि दो वक्त की रोटी दे गरीबों को? अभी तक किसी भी पीड़ित परिवार को तहसील प्रशासन द्वारा एक तिरपाल भी नहीं दिया गया है, कि बारिश भी हुई है और ऐसे में मौसम का मार भी है, रात में ठंड हो जाता है, बीमार हो सकते हैं, मच्छरों का प्रकोप है, इस बारे में क्या कहें? ये तो मैं इस बारे में यह कहूँगा, तो आपने सब कुछ खुद ही बता दिया कि सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया। तो प्रेस के बंधुओं से यही विनती है कि जो सच्चाई है वो दिखाइए, ये बताइए कि सरकार किस हद तक निरीह हो चुकी है, किस हद तक बेलगाम हो चुकी है कि गरीबों की यहाँ तक नहीं पहुँचती उनके कानों तक। प्रशासन का ये कहना था कि इनके पास कोई कागज नहीं थे उस जमीनों पे जिसकी वजह से ये घर ढहाए गए। देखिए, गरीबी और बेरोजगारी और मजबूरी कागज नहीं मांगती है, भूख कागज नहीं मांगती है, बच्चे कागज नहीं मांगते हैं। सरकार खाना तो दे सकती है, छत तो दे सकती है, छत नहीं इनके पास, छत देने का काम सरकार करिए कि हम करेंगे पुनर्वास के लिए इनके लिए? गरीबी कागज नहीं मांगती है महोदय, गरीबी भूख खाना मांगती है। अभी प्रक्रिया चल रही है कि लोगों को आवासीय पट्टा दिया जाए, तो यहाँ पे के जो आवाम है वजीरगंज और सराय जगना के, इनकी मांग है कि इस कस्बे के आसपास में ही उन्हें बसाया जाए, कहीं दूर ना ढकेला जाए, रूट दिया जाए या जैसे भी दिया जाए, लेकिन सरकार इनकी सहायता करे, और सरकार को इनकी सहायता करनी चाहिए इंसानियत के नाते, गरीबी देखते हुए सरकार को बहुत जल्द इन लोगों को सहायता पहुँचानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि शासन प्रशासन इस बात का ध्यान रखेगा, सरकार जागेगी और इनको सहायता जल्दी मिलेगी।